नमस्कार, मैं शेफ कालू सिंह गुजर और एक होममेड स्टाइल में नमकीन लेके आ रहे हैं, यानी कि चना दाल नमकीन कैसे बनाएंगे आप घर में स्टार्टर बेस में, यानी कि कॉकटेल बेस पे भी आज आप कॉकटेल मॉकटेल में आप इसको यूज कर सकते हो। यानी कि चना दाल नमकीन होममेड में घर की स्टाइल में घर की तरह चना दाल नमकीन कैसे बनाना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये चना दाल भिगो देना है। चना दाल भिगोने के बाद आप इसको ऐसे इस तरीके से स्ट्रेन कर दोगे, यानी कि छान दोगे, इसका पानी निकल जाएगा। पानी जैसे ही निकाल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको ऑयल में, यानी कि जो कढ़ाई रहेगा आपका ऑयल रहेगा, उसमें आपको डीप फ्राई कर देना है। डीप फ्राई करने के बाद आपको क्या करना होगा आगे, तो पहले हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कैसे नमकीन तैयार होएगी, तो उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखो, मैं आपको नमकीन बना के दिखाता हूँ आज। ये ऑयल बिठा देना है सेम, और ये हमने ये चना दाल डाला। डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऑयल में आपको इस तरीके से इसको फ्राई करना है। और ये इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको फ्राई कर देना है इसको। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो समझ लेना आपका नमकीन बनके तैयार होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ये देखो वही आपको गोल्डन कलर करके फ्राई कर देना। तो आपको फ्राई करता हुआ मैं जो दिखा रहा हूँ चना दाल, जो नमकीन बनाना सिखा रहा था मैं आपको, तो ये जो जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे इसका गोल्डन कलर आता जाएगा। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा आपको बाहर निकाल देना है इसको। और फ्राई ये जो आपको दिख ही रहा है इस तरीके से थोड़ा सा हिला देना है इसको, लेकिन जरा हूँ जब तक ऐसे बाहर नहीं आए ये तेल में अपने आप ऊपर से नहीं आ जाए, जब तक आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे ही ये ऊपर आने लग जाएगा तो आपको ये इस तरीके से निकाल देना है। आपको इस तरीके से देखो जैसे क्रिस्पी हो जाएगा तो इस तरीके का आपको आवाज़ सुनाई देगा। और ये आप इसमें प्लेट्स में इसको खाली करोगे, और कैसे अभी आगे का प्रोसेस हमने कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको ये जो आपने दाल फ्राई किया है वो आपको इस तरीके से बॉल में डाल देना है। ये हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर डाला आपने, और ये वाइट सॉल्ट डाला। आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालना है लाल मिर्ची और ये, और आप स्पून से भी मिला सकते हो ये इस तरीके से। ये और जैसे ही जितना जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे और क्रिस्पी होता जाएगा। और वैसे आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया ये। और ये आपको मिक्स कर देना है, मिक्स जैसे हो जाएगा ये आप इस तरीके से भी मिक्स कर सकते हो आप। और जैसे ही समझ लो कि आप इसमें फिर से डाल सकते हो जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये हमारा चना दाल नमकीन बनके तैयार हो गया, और इसको आप इजी वे में बना सकते हो होममेड स्टाइल में, होममेड रेसिपी में। और बनाने के साथ साथ आप इंजॉय करें, खाएं, और कमेंट्स के साथ साथ अगर आपको कोई भी सस्पेंस है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और बताने के साथ साथ आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब